हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज WPS? WPS का मतलब है, जो भी हम लोग वेल्डिंग बनाता है, ये वेल्डिंग का पैरामीटर्स रहता है। ये पैरामीटर के हिसाब से हम लोग वेल्डिंग बनाना पड़ेगा। सो ये वेल्डिंग पैरामीटर हम लोग को कहाँ मिलेगा, किधर से हम लोग बनाएंगे, कैसा बनाएंगे। सो आज हमारा ये टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आपको सैम्पल, आपको सामने एक WPS का फॉर्मेट आपको मैंने शो कर रहा हूँ। इसमें क्या क्या पैरामीटर्स आएगा, इसका कौन सा इलेक्ट्रोड हम लोग यूज करेंगे, तो इसका लेयर्स कौन सा यूज करेंगे, एक एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें टोटल पैरामीटर्स, ये जो WPS है हम लोग का, ASME सेक्शन 9 में पूरा डिटेल्स, वेल्डिंग डाटा। ओके, सो ASME सेक्शन 9 में हम लोग को वेल्डिंग डाटा में 4th आर्टिकल में ये पूरा इंफॉर्मेशन हम लोग का दिया हुआ है। ओके, सो इसका पूरा इंफॉर्मेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सैम्पल फॉर्मेट WPS कैसा रहेगा, सो हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं संगो अरेबिया कॉन्ट्रैक्टिंग लिमिटेड, ये मेरा पुराना कंपनी है। ओके, ये कंपनी में मैंने काम करने के टाइम पे ये वेल्डिंग प्रोसीजर हम लोग यूज करके हम लोग साइट में वेल्डिंग कराता था। कोई भी आपको इंटरव्यू में जाएगा तो कंपलसरी वेल्डिंग इंस्पेक्टर को ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछता है, व्हाट इज WPS? सभी लोग बोलता है WPS, बोलेगा तो वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन। ये नहीं है, ये वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन है, ये आपको डेफिनेशन है। उसका मीनिंग क्या है? इट इज ए रिटन डॉक्यूमेंट, इट्स गिव ए डायरेक्शन टू द वेल्डर एंड वेल्डिंग ऑपरेटर टू मेक ए प्रोडक्शन वेल्डिंग। ये डॉक्यूमेंट आपको साइट में एक नमूना है। नमूना मतलब ये डॉक्यूमेंट के हिसाब से हम लोग काम करना है। ये डॉक्यूमेंट आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, ASME सेक्शन 9 का रूप से हिसाब से ये बना हुआ है। इसमें कौन सा डिटेल्स दिया हुआ है, ये इंफॉर्मेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। WPS ये हम लोग का WPS जो प्रोसीजर जो बनाता है, तो इसी का एक कोड नंबर वो लोग दिया जाता है, वो कोड नंबर के हिसाब से वो लोग लिखता है। ये WPS हम लोग कौन सा रिवीजन से कभी बनाया, ये रिवीजन बी बोल के लिखा है, ये December 26, 2013 में बना हुआ। नेक्स्ट है सपोर्टिंग PQR नंबर। PQR का मतलब है प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड। ये जो वेल्डिंग प्रोसीजर का एक प्रोसीजर रहता है, हर वेल्डिंग का एक वेल्डर का एक प्रोसीजर बनाता है, वो प्रोसीजर का नंबर उनका ऑलरेडी जो फाइल में दिया हुआ है, वो सब इंफॉर्मेशन है, आपको रेफरेंस इंफॉर्मेशन है। सपोज ये WPS में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन क्यों देता है, ये WPS में कोई भी आपको 2 साल के बाद या 4 साल के बाद कोई भी प्रॉब्लम हो गया, ये रॉन्ग WPS, कुछ गलती से कुछ रॉन्ग एंट्री हो गया, तो ये सब रेफरेंस डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन है, ये कंपलसरी होना चाहिए। और ये पूरा जो वेल्डिंग प्रोसीजर है, ये कौन सा प्रोसेस से बना हुआ है, GTAW प्लस SMAW। GTAW गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, SMAW सबमर्जिड आर्क वेल्डिंग। ओके, सो ये आपको यहाँ पे दो वेल्डिंग प्रोसीजर आपको दिया हुआ है, दो वेल्डिंग प्रोसीजर्स। क्यों ऐसा दो वेल्डिंग प्रोसीजर्स दिया हुआ है, आपको ये वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, और कंपनी कौन सा कंपनी, ये संगो अरेबिया, ये कोरियन कंपनी है। वहाँ का जो मेन ये रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ये कौन सा आदमी ये बनाया, उनका नाम है। और मटेरियल और प्रोसेस, ये मैनुअल प्रोसेस है। ओके, और कौन सा कोर्स है आपको दिया हुआ है, ये प्रोसीजर का कोर्स है, यहाँ पे ASME सेक्शन 9। ASME सेक्शन 9 का मतलब है वेल्डिंग ब्रेजिंग फ्यूजिंग का स्पेसिफिकेशन है। और ASME B 31.3, ये ASME B 31.3 का जो है ये प्रोसेस पाइपिंग का है। ASME B 31.1 है ये पावर पाइपिंग का है। ओके, नेक्स्ट और एक कोड यहाँ पे दिया हुआ है SAESW 011। SAES मतलब सऊदी अरमको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड। ओके, ये जो पूरा प्रोसीजर है हम लोग सऊदी अरमको प्रोजेक्ट में हम लोग यूज करता है। ओके, उनका प्रोसीजर है, हम लोग रेफरेंस लेके हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और W011 ये आपको ऑन पाइप प्लॉटिंग का, जो पाइपलाइन का, ये WPS का कोड है। ओके, सो ये WPS में आपको इंटरव्यू में जाएगा तो आपको पूछता है WPS का पैरामीटर्स, व्हाट आर द पैरामीटर्स वी आर गोइंग टू यूज इन WPS।
So then you have to answer about all the parameters what we are giving here. First of all, joint details. The joint details ka beech mein, joint design or joint details, whatever it may be. QW 402. QW matlab quality weld. Ya bhi welding ka bare mein hum log baat kar rahe hain. Ya aapko 402, 403, 404 ऐसा कुछ नंबर्स यहाँ पे आपको दिया है ना, यह हम लोग एएसएमई सेक्शन 9 में वेल्डिंग डाटा में ये पूरा इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है. ये इंफॉर्मेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लियरली हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके सो इसमें देखिए, एक वेल्डिंग बनाना है तो क्या क्या चाहिए. डिज़ाइन चाहिए, वो जो स्ट्रक्चर वेल्डिंग जो बनाते हैं उसका स्ट्रक्चर को वो डिज़ाइन चाहिए. और नेक्स्ट बेस मेटल, कौन सा मटेरियल हम लोग यूज़ कर रहे हैं. और नेक्स्ट थिकनेस, उसका थिकनेस कितना होना चाहिए, उसका कितना क्वालिफाइड भी होना चाहिए. और नेक्स्ट फिलर मेटल्स, फिलर मेटल कौन सा फिलर मेटल्स हम लोग जी टी ए डब्ल्यू पर यूज़ कर रहे हैं और एस एम ए डब्ल्यू पर यूज़ कर रहे हैं. जी टी ए डब्ल्यू गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, एस एम ए डब्ल्यू सब मेचड आर्क वेल्डिंग, अदरवाइज शील्ड मेटल आर्क वेल्डिंग भी इसको कहा जाता है. नेक्स्ट पोजिशंस, कौन सा पोजिशन है हमारे पास, 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन होता है. इसमें पाइपिंग का कौन सा आता है या प्लेट का कौन सा आता है, ओके फिलेट का कौन सा आता है और ग्रूव का कौन सा वेल्डिंग, ये पूरा ये वेल्डिंग प्रोसीजर हम लोग फॉलो करना है. और अप से डाउन को वेल्डिंग करता है, डाउन से अप को वेल्डिंग करता है. और प्री हीट, प्री ये डब्ल्यू पी एस में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्री हीट. तो आपको डब्ल्यू पी एस फॉलो करने का पहले आप फर्स्ट नज़र रखना है कि ये जो वेल्डिंग को हम लोग को प्री हीट करना है या नहीं करना है. अगर आप नहीं देखा ये पॉइंट का, आप ध्यान में नहीं रखा, वेल्डिंग आप चालू कर दिया, अब बोल दिया डब्ल्यू पी एस आपके हाथ में है आया है, फिर आप बिल्कुल देखा भी नहीं है, आप वेल्डर को बोल दिया ठीक है मैं आता हूँ चाय पी के आता हूँ, आप वेल्डिंग करा दो. ऐसा करने से क्या होता है, करने के बाद आपको मालूम पड़ा ये प्री हीट करना है. जो आपको प्री हीट का मतलब क्या होता है, वेल्डिंग का चालू करने के पहले जो मटेरियल को हम लोग थोड़ा सा हीट को देना ही है, इसी को बिफोर वेल्डिंग ओके एडिंग हीट टू द बेस मटेरियल. वो कितना देना है बोल के दिया है 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्री हीट, मिनिमम टेम्परेचर को देना ही है मैक्सिमम. और ये इंटरपास है 201 डिग्रीज इंटरपास टेम्परेचर. ओके वेल्डिंग का बीच में हम लोग जो देता है ना, सो उसको वेल्डिंग इंटरपास टेम्परेचर बोलते हैं. और नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है, पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट, इसका दूसरा एक नाम है स्ट्रेस रिलीविंग. ये क्यों देता है, जो मटेरियल का पूरा वेल्डिंग होने के बाद ये पीडब्ल्यूएचटी का हम लोग दिया जाता है. पीडब्ल्यूएचटी मतलब टू मेंटेन द होमोजीनियस स्ट्रक्चर, होमोजीनियस स्ट्रक्चर. सपोज एग्जांपल ये एक पाइप है, ये एक पाइप है, ओके कोई भी एक मटेरियल को हम लोग ऐड करके वेल्डिंग किया है, जो वेल्डिंग करने के जो जगह पे हम लोग हीट देता है, ओके ये हीट का वजह से, ये प्रेशर का वजह से यहाँ पे जो कुछ केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होता है. आपको पाइप तो ऐडिंग किया है, पाइप अभी एक लाइन में आया, एक पाइप हो गया ऐड करके, एक पाइप बना दिया, लेकिन उसका केमिकल कॉम्पोजिशन भी इक्वल में आना चाहिए, तो होमोजीनियस स्ट्रक्चर मेंटेन करना चाहिए, इसीलिए हम लोग पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट हम लोग पाइपिंग को देता है. ओके सो इसका हीट नंबर रहता है कुछ सर्टेन टेम्परेचर का, वो टेम्परेचर लेवल में उसको पी डब्ल्यू एच टी कॉइल बना के सर्टेन हीट दे के सर्टेन होल्डिंग टेम्परेचर दे के ये पाइप को एक इक्वल स्टेज में लेके आ जाता है. और रिमूव द रेसिडुअल स्ट्रेसेस, इसका रेसिडुअल स्ट्रेसेस बोलते हैं, रेसिडुअल क्रैक्स रहता है वो रिमूव करने के लिए भी पी डब्ल्यू एच टी का प्रोसेस यूज करता है. ये बड़ा प्रोसेस है, इसके लिए अलग टेक्नीशियंस रहता है. ओके इसका पहले हम लोग ये वेल्ड पोस्ट वेल्ड मतलब वेल्डिंग के बाद है. और यहाँ पे हम लोग डिस्कस किया प्री हीट मतलब वेल्डिंग का पहले, वेल्डिंग के पहले प्री हीट जो है ना वो बहुत वेरी सिंपल तरीका है. हमको एक गन स्पायरोमीटर बोलता है, लेकिन ये तो एक टेम्परेचर गन बोलता है, ये टेम्परेचर गन यूज करके हम लोग प्री हीट को चेक करते हैं. ओके नेक्स्ट इसके बाद इलेक्ट्रिकल कैरेक्टराइजेशंस, इसका कोड है QW409. ओके सो इसमें करंट कौन सा देना है, पोलारिटी कौन सा देना है, कौन सा इलेक्ट्रोड यूज करना है, ये सब इंफॉर्मेशन हम लोग एक एक डिस्कस करके जाएंगे. पहले आपको मैंने मेन पॉइंट्स आपको दे रहे, टेक्निक टेक्निक कौन सा टेक्निक्स है, ये सब इसमें कौन सा यूज करना है, ये सब अभी
डिस्कस करेंगे। टोटल अभी हम लोग कितना पॉइंट्स आया था, जॉइंट डिजाइन, जॉइंट डिटेल्स, बेस मेटल्स, फिलर मेटल्स और पोजीशंस, प्री हीट, पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट, गैस, इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक, टेक्निक्स। 1, 2, 3, 4, 5 हीट के साथ, 6, 7, 8, 9, 10 बराबर। जॉइंट डिटेल्स 1, 2, 3 जॉइंट डिटेल्स, बेस मेटल और फिलर मेटल 3 और पोजीशन 4, 3 हीट 5, टोटल 6, 7, 8, 9 कैरेक्टराइजेशन। ये आपको याद रखिए। तो ये वीडियो में आपको 402 से चालू हो गया, लेकिन 401 से नहीं है। बहुत सारे आदमी लोग 401 से सोच के ये 10 पैरामीटर्स ही बोलते हैं। आपको इंटरव्यू में जाएगा तो व्हाट आर द WPS पैरामीटर्स, जॉइंट डिटेल्स, बेस डिटेल्स, फिलर डिटेल्स, प्री हीट, गैस, पोजीशन, PWHT, इलेक्ट्रिकल कैरेक्टराइजिस्टिक, टेक्निक्स, टोटल 9 पैरामीटर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिट है, आप माइंड में रखिए। ओके, सो अभी जॉइंट डिजाइन, जॉइंट कौन सा जॉइंट है, यहाँ पे जो सी द जॉइंट डिटेल्स ऑफ पेज 2 बोल के दिया है, नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है। ओके, बेस मेटल, बेस मेटल पी नंबर 1 बोल के दिया है। ओके, मैंने आपको जूम करके शो करता हूँ, पी नंबर 1 और यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 और 2 और पी नंबर 1 दिया है। लेकिन आपको यहाँ पे चेक कीजिए, आपको वेल्डिंग प्रोसीजर कौन सा दिया है, GTAW प्लस SMAW। P1 मतलब कार्बन स्टील मटेरियल, व्हाट इज P? P1 बोल के दिया है, P व्हाट इज P? आपको ये सब इंटरव्यू में पूछता है, P नंबर बोलते हैं, P नंबर मतलब पेरेंट मटेरियल। ओके, पेरेंट, पेरेंट मटेरियल मतलब बेस मटेरियल। ओके, इसका नंबर 1, नंबर 1, नंबर 1 मतलब कार्बन स्टील मटेरियल। ओके, P नंबर 8 बोलते हैं, इसको SS मटेरियल बोलते हैं, SS मतलब स्टेनलेस स्टील मटेरियल। और पी नंबर 5, 7, 8 ये सब अलॉय मटेरियल में आ जाएगा। मैक्सिमम आपको, अगर आप बिगिनर्स है, ये वेल्डिंग इंस्पेक्टर कोर्स अभी अभी किया है, आप ज़्यादा मत माइंड में रखने का जरूरत नहीं है। फर्स्ट आपको इंटरव्यू फेस करना है तो आपको GTAW, SMAW ये दो वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में ज़्यादा नॉलेज लीजिए। यूट्यूब में मेरा जैसे वीडियो जो बनाता है उसमें कितना वीडियो आप देखने के लिए टाइम है, आप उतना वीडियो आप देखिए। लेकिन ये दो वेल्डिंग प्रोसेस है मेन मेन इंपॉर्टेंट है, SMAW, GTAW, ये अलग अलग प्रोसेस है। कई कई हम लोग दो वेल्डिंग प्रोसेस मिला के करते हैं, क्यों करते हैं आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, इसके बारे में अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, और अभी ये P1 मटेरियल है। ओके मैम, और यहाँ पे दिया है आपको कौन सा मटेरियल हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। ये PA5L B ग्रेड B, ये PA5L ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ऐसे 3 टाइप का मटेरियल्स होता है। ये PA5L ग्रेड बी, ग्रेड ए, ग्रेड सी का फर्क क्या है, मतलब ये पूरा कार्बन स्टील मटेरियल है। ये PA5L ग्रेड ए में कार्बन परसेंटेज है 25%, बी में 30 है और सी में 35%। ऐसे कार्बन परसेंटेज वेरिएशन और कुछ नहीं है। ओके, पूरा रिक्वायरमेंट प्रोसीजर के हिसाब से एज पर WPS में यहाँ पे 5L ग्रेड, 5L भी दिया है और ये जो स्पेसिफिकेशन दिया है 10523 जो मार्केट में हमारा जो प्रोडक्ट में अवेलेबिलिटी है इसमें कोई भी हम लोग यूज कर सकता है, कोई भी कौन सा अवेलेबिलिटी वो यूज कर लेगा। और थिकनेस मेन इंपॉर्टेंट है, ये थिकनेस हम लोग का माइंड में रखना ही है, क्योंकि प्रोसीजर पूरा WQT वेल्डिंग प्रोसीजर क्वालिफिकेशन, तो हम लोग WQT करते हैं, वेल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट बोल के वेल्डर को एक टेस्ट रख के उसको पास करके साइट में लेके आता है एक प्रोडक्शन, अच्छा प्रोडक्शन, वेल्डिंग प्रोडक्शन बनाने के लिए। क्योंकि कुछ आदमी लोग वेल्डर्स बोल के दो तीन साल काम करता है, मेरे को 10 साल एक्सपीरियंस है, 15 साल एक्सपीरियंस है बोल के वो लोग बोलता है, लेकिन इंटरव्यू में वो सब नहीं रखता है, उसको कंपलसरी टेस्ट देता है। वो टेस्ट है WQT वेल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट है। वो टेस्ट में वो वेल्डर जो थिकनेस क्वालिफाइड हो गया उसका मैक्सिमम 2T डबल थिकनेस करने के लिए उसको चांस मिलेगा एज पर ASME सेक्शन 9 का हिसाब से, उसको वेल्डर कार्ड भी दिया जाता है। वो थिकनेस को हमारा ये WPS में थिकनेस को मैच होना चाहिए, ये थिकनेस को वो बराबर, वो वेल्डर क्वालिफाइड होगा तो करना ही है, लेकिन नहीं है तो नहीं करना है। ओके, और इसका ग्रू थिकनेस, वो जो CS मेटल है
और यहाँ पे एलटीसीएस, एलटीसीएस सीएस मतलब कार्बन स्टील मटेरियल, ओके। एलटीसीएस, एलटीसीएस का सीएस का क्या फर्क है? एलटीसीएस मतलब लो टेम्परेचर कार्बन स्टील, सीएस एलटीसीएस, ओके। सो यहाँ पे आपको थिकनेस यहाँ पे दिया हुआ है 4.8 to 19 mm ग्रूव थिकनेस है, ओके। और फिलेट अनलिमिटेड कर सकता है, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड का मतलब जो भी थिकनेस है वो कर सकता है। वो प्रोसीजर यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया है, देखिए GTAW मैक्सिमम 8 mm, देखा है, SMAW मैक्सिमम 8 mm, ओके। आपको मैंने एक क्वेश्चन पूछा है स्टार्टिंग में, SMAW GTAW क्यों मिला के करता है? वो आंसर यहाँ पे आपको 50% का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, आप बाकी 50% नेक्स्ट वीडियो में मैसेज कीजिए। नेक्स्ट, वेल्ड मेटल थिकनेस आपको यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट, कौन सा फिलर मेटल्स हम लोग यूज कर रहे हैं? GTAW को कौन सा यूज कर रहे हैं और SMAW को कौन सा फिलर मेटल यूज कर रहे हैं? ये WPS के हिसाब से हम लोग साइट में यूज करना है, ये सब बराबर यूज कर रहा है कि नहीं चेक करना। मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? अपना वेल्डिंग इंस्पेक्टर का है। वेल्डर को कंट्रोल एज पर कोड का हिसाब से, WPS के हिसाब से वेल्डिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है चेक करना अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके। स्पेसिफिकेशन यहाँ पे 5.18, ये आपको AWS का कोड है 5.18, 5.1 इसी का हिसाब से जो इलेक्ट्रोड्स रहता है 7018 यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी। 5.18 का AWS का क्लास, AWS मतलब अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी, ये जो क्लास आपको कोड का हिसाब से दिया है। GTAW प्रोसेस है तो ER70S2, आपको ये ऐसा नहीं बोलने का 70-S2, ऐसा भी बोल सकते हैं 70S2, कुछ आदमी लोग 70S2, 70S3, 70S4 ऐसा 3 इलेक्ट्रोड्स रहता है आपका, वो यूज कर सकता है। लेकिन यहाँ पे WPS में हमको दिया है 70S2 ये यूज करने का, और SMAW का 701 है ई फॉर इलेक्ट्रोड। और यहाँ पे आप देखिए सर, यहाँ पे GTAW दिया है, SMAW ये दिया है, मतलब दोनों कैसा यूज करेंगे बोलेगा तो आपको GTAW फर्स्ट प्रोसेस में आपको क्या दिया है? GTAW प्लस SMAW, उसका मतलब है फर्स्ट हम लोग रूट में GTAW करना ही है, उसके बाद हम लोग SMAW करना है। GTAW वेल्डिंग अगर प्रोसेस हम लोग करेंगे उसके टाइम पे हम लोग 70S2 का यूज करना है। जब हम लोग SMAW वेल्डिंग प्रोसेस करता है 7018 यूज करना है। इसका F नंबर है 6, GTAW का, SMAW का GTA नंबर 4, और ये नंबर सबका एक ही है। और साइज ऑफ फिलर, जो इलेक्ट्रोड हम लोग यूज करता है, जो फिलर वायर हम लोग यूज करता है, ओके। यहाँ पे जो फिलर वायर हम लोग रूट में, हम लोग छोटा सा गैप रहता है रूट में, ओके। तो उसका 2.5, 2.4 mm से लेकर 3.2 mm का वायर हम लोग यूज कर सकते हैं, ओके। और SMAW का 2.5 से लेके 4 mm तक हम लोग यूज करना है। और इलेक्ट्रोड फ्लक्स नॉट अप्लीकेबल, और कंज्यूमेबल अलर्ट भी नॉट अप्लीकेबल। नेक्स्ट, पोजीशन, पोजीशन हम लोग पोजीशन ऑफ ग्रुप हॉल, पोजीशन ऑफ फिलेट हॉल, ओके। प्रोग्रेसेशन अपफिल, अपफिल से वो वेल्डिंग पड़ता है, वहां पे कौन सा पोजीशन है? सपोज देखिए ये जो WPS है, साइट में हम लोग का 10 वेल्डिंग्स करेगा तो 10 वेल्डिंग्स एक ही वेल्डिंग है तो प्रोसीजर्स आपको WPS 10 प्रोसीजर्स नहीं रहते, 10 जॉइंट को भी एक ही प्रोसीजर रहता है, लेकिन सेम थिकनेस, सेम मेटल, सेम डाया है तो मैच होगा, तो ये WPS अप्लीकेबल टू ऑल वेल्ड्स। आपको साइट में डिफरेंट डिफरेंट थिकनेस है, डिफरेंट डिफरेंट डायामीटर्स है, तो डिफरेंट डिफरेंट WPS रहता है आपको, ओके। थिकनेस अगर मैच होगा तो वो एक ही WPS हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्री हीट, प्री हीट का हम लोग ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्री हीट किसका है? ये 10 डिग्री मतलब GTAW का, ओके। GTAW वेल्डिंग प्रोसेस हम लोग चालू करने का पहले मेटल को हम लोग प्री हीट देता है, राइट, इसीलिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड। उसका इंटरफेस टेम्परेचर हम लोग मेंटेन करना है 201 डिग्री। ये 201 डिग्री मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है वेल्डर चेक करना किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वेल्डिंग इंस्पेक्टर का और वेल्डिंग सुपरवाइजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके। मतलब सुपरवाइजर मतलब फोरमैन, ओके। और ये कैसे चेक करेंगे हम लोग टेम्परेचर बराबर यूज कर रहा है कि नहीं? स्पैरोमीटर से चेक करने का, लेकिन नहीं तो टेम्परेचर गन से हम लोग चेक करने का, ओके। नेक्स्ट,
पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट, इसका हम लोग बताया आपको स्ट्रेस रिलीविंग टेम्परेचर रेंज नॉट एप्लीकेबल, होल्डिंग टेम्परेचर रेट रेट नॉट एप्लीकेबल, लेकिन इसका टेम्परेचर अगर ये बिलो 25 mm है, एक सर्टेन थिकनेस रहता है, थिकनेस रहेगा तो हम लोग यहाँ पे देता है इतना टेम्परेचर देना ही है, इतना होल्डिंग टेम्परेचर देना है बोल के यहाँ पे देता है। अगर नहीं दिया, नॉट अप्लीकेबल का मतलब क्या है, इसका ये स्पेसिफिक जॉइंट का PWHT नॉट रिक्वायर्ड, जरूरत नहीं है, यही है वेल्डिंग प्रोसीजर हम लोग चेक करने का, हम लोग वेल्डिंग को अलाउ करने का वेल्डर को। वो लोग पूछता है हमको वेल्डर, सर इसका वेल्डिंग कम्प्लीट हो गया सर, इसका PWHT हाई क्या सर, ऐसा बोल के हमको पूछता है। तो हम लोग WPS ऑलरेडी अवेयर अबाउट द WPS, बिकॉज यू आर इंस्पेक्टर, यू शुड बी अवेयर, यू शुड बी फेमिलियर विद द WPS, देन ओनली यू हैव टू अलाउ टू द वेल्डर टू डू द वेल्डिंग। ओके, इफ इट इज प्री हीट रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड और PWHT रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड, यू हैव टू चेक थरोली। ओके, नेक्स्ट गैस, गैस कौन सा गैस हम लोग शील्डिंग गैस यूज करता है, कितना उसका टेम्परेचर देना ही है, इसका परसेंटेज से हम लोग देना है। आर्गन, आर्गन आर्गन गैस देता है 99.9, इट्स अ प्योर आर्गन शील्डिंग गैस फॉर GTAW। ओके, और नेक्स्ट गैस बेकिंग नॉट एप्लीकेबल और ट्रायलिंग गैस नॉट एप्लीकेबल। ओके, नेक्स्ट हम लोग इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देता है या पोलारिटी, कितना करंट है, कौन सा ए सी डी सी ऐसा हाफ वेव करंट डीसी बोल के रहता है ना, तो ये वेल्डिंग प्रोसेस का हम लोग डीसी देना है, पोलारिटी और GTAW SMAW, यहाँ पे DCEN, यहाँ पे DCEP, GTAW का DCEN बोलेगा तो डायरेक्ट करंट है, ये N फॉर नेगेटिव P फॉर पॉजिटिव। ओके, N फॉर नेगेटिव P फॉर पॉजिटिव, तो ये क्या बोल रहा था, GTAW का DCEN देना है, SMAW का DCEP देना है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट टंगस्टन इलेक्ट्रोड टाइप कौन सा है, ये डोरिएटेड, 2% डोरिएटेड हम लोग का इलेक्ट्रोड ऑलरेडी फील्ड में है, हम लोग कहाँ पे भी ढूंढने का जरूरत नहीं है, सब कुछ अवेलेबिलिटी है साइट में, क्योंकि ये जो वेल्डिंग इंजीनियर्स है, ये प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर्स है, ये पूरा मटेरियल एज पर इंडेंट प्रोजेक्ट को क्या क्या चीज जरूरत है सब संभाल के रखता ही है स्टोर में। हम लोग स्टोर में जाके कौन सा मटेरियल हम लोग का आया कि नहीं चेक करना है, वेल्डर को या फोरमैन को हम लोग अरेंज करके देने का मटेरियल बराबर चेक कर रहा है कि नहीं, कभी कभी हम लोग साइट में साइट मॉनिटरिंग करके विजिट करके चेक करने का। अगर वेल्डर है, कुछ आदमी लोग नॉलेज वाला रहता है, कुछ आदमी लोग अनपढ़ वाला रहता है। रिसेंटली मैंने एक एडनाक शटडाउन प्रोजेक्ट करके आया है, वो प्रोजेक्ट में वेल्डर को पूछा है कौन सा इलेक्ट्रोड यूज करेगा, मुझे क्या पता है सर, जो दिया वो यूज करे, ऐसा भी बोलता है। ओके, सो इसीलिए एज ए वेल्डर शुड बी फेमिलियर अबाउट वट आर द इलेक्ट्रोड आई हैव टू यूज टू द वेल्डिंग, सो ही नीड टू चेक। ओके, नेक्स्ट वोल्टेज, कौन सा वोल्टेज इन ये सब देना ही है, एम्पियर कितना देना ही है, यहाँ पे एम्पियर 90 to 190 देने के लिए बोला, लेकिन ये एम्पियर रूट में देगा या मिडिल में देगा, इंटरमीडिएट वेल्ड में देगा या फाइनल में देगा, किधर देगा क्लियर नहीं है। सो आपको ये क्लियर इंफॉर्मेशन हम लोग को नीचे दिया हुआ है, वो हम लोग देखेंगे वोल्टेज कितना देना, 8 to 20 है। टेक्निक्स, स्टेरिंग वेव, स्टेरिंग और वेव बिल, ये बोथ साइड्स हम लोग देता है, और गैस कप साइज 8 to 16 mm डायमीटर होना चाहिए, और इंटरपास क्लीनिंग, हम लोग वेल्डिंग करने का टाइम पे हॉट रूट टू हॉट पास होने के बाद फिलिंग करते हैं, फिलिंग करने का टाइम पे एक रन होने के बाद दूसरा रन या तीसरा रन हम लोग वेल्ड का रनिंग करता है ना, एक सर वेल्डिंग एक बार वेल्डिंग होने के बाद एक रन होने के बाद थोड़ा सा टाइम पे कूलिंग देना है, कूलिंग ऑटोमेटिक नॉर्मल कूलिंग होता है, नॉर्मल कूलिंग होने के बाद इसका ऊपर एक फ्लक्स जैसे मटेरियल निकलता है, हम लोग उसको वायर ब्रश से पूरा क्लीन करके रखने का। ये वेल्डर है, उसका साथ में एक असिस्टेंट वेल्डर होता है, असिस्टेंट वेल्डर को बताता है अरे भाई इसको निकाल दो बोल के, जो असिस्टेंट वेल्डर होगा तो प्रेशर है, वो बराबर क्लीन नहीं करता है, उसका वायर ब्रश यूज करता है। वायर ब्रश भी हम लोग SS का कौन सा वायर ब्रश यूज करना है, CS का कौन सा वायर ब्रश यूज करना है, वो सब चेक कर लेगा। ओके, उसका जो नॉलेज है प्रेशर है वो नॉलेज हिसाब से क्लीन करेगा। जब वेल्डर आएगा पूछेगा असिस्टेंट वेल्डर को, पूछेगा हेल्पर को क्या क्लीन हो गया क्या, हाँ हो गया भैया बोलते हो गया, वो नेक्स्ट सेकंड रन मार देता है, नहीं वो भी कुछ चेक करने का, वो बराबर क्लीन किया कि नहीं,
ऐसा नहीं देखेगा तो क्या होता है, उसमें वो फ्लक्स मटेरियल कई कई जगह पे वो सटा जाता है। वो मटेरियल है हम लोग को रेडियोग्राफी करने के टाइम पे स्लैग जैसे एक डिफेक्ट आता है। स्लैग का मतलब क्या है, नॉन मेटालिक मटेरियल इनसाइड द वेल्डमेंट। ओके, नॉन मेटालिक मटेरियल इनसाइड द वेल्डमेंट, देर इज नो एनी पर्टिकुलर शेप, इट्स इरेगुलर शेप, कैसे भी आ सकते हैं वो। ओके, उसको निकलने के लिए फिर क्या करेंगे, वेल्ड को सरफेस से कटिंग करना है, उसको निकलना है। ओके, सो ये सब डिफेक्ट आने के पहले हम लोग सेफ्टी लेगा तो ये डिफेक्ट आने के लिए चांस नहीं रहेगा। और ये क्लीनिंग करने के टाइम पे हम लोग ग्राइंडिंग भी कर सकते हैं और ब्रशिंग भी कर सकते हैं। आप कैसा करना है यहाँ पे दिया है, यही प्रोसीजर आप लोग फॉलो करने का, कोई भी आके आप कटिंग करना ये सब नहीं करने का, जो यहाँ पे प्रोसीजर दिया हुआ है वी हैव टू फॉलो द प्रोसीजर आई मस्ट एंश्योर क्राइटेरिया का हिसाब से करने का। और नेक्स्ट सिंगल और मल्टी प्रोसेस बोथ ओके, और मल्टी इलेक्ट्रोड ओके, 7 to ट्रैवल स्पीड 7 to 220, आपको मैंने अभी बताया 7 to 220 बोलेगा तो 100 भी दे सकते हैं, 120 भी दे सकते हैं, 200 भी दे सकते हैं, लेकिन फर्स्ट रन में कितना देना है, फिलिंग में कितना देना है, कैसा पता चलेगा, यहाँ पे क्लियर कट इन्फॉर्मेशन नीचे दिया हुआ है, हम लोग देखेंगे। और नेक्स्ट सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है 10 पैरामीटर्स, यहाँ पे 9 पैरामीटर जो भी पढ़ाई किया हम लोग ऊपर, जो पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, ये मेन इंफॉर्मेशन है, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप माइंड में रखिए। ये वेल्ड लेयर्स, एक वेल्डिंग को कौन सा लेयर्स होता है, रूट लेयर होता है और हॉट पास लेयर होता है। नेक्स्ट फिलिंग और कैपिंग। ओके, यहाँ पे देखिए आपको वेल्डिंग प्रोसेस, रूट में कौन सा वेल्डिंग प्रोसेस हम लोग यूज करना है, GTAW प्रोसेस। ओके, सो हमारा WPS में स्टार्टिंग क्या दिया है, GTAW प्लस SMAW, मतलब GTAW फर्स्ट करने का। ओके, और एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, लास्ट शटडाउन में एक वेल्डर को मैंने पूछा कौन सा वेल्डिंग पहले करेगा, बोलेगा तो SMAW फर्स्ट करेगा, इसके बाद GTAW मारेगा, तो क्या होता है, उल्टा हो गया। ओके सर, ये सब हम लोग जान रख के काम करने का, फर्स्ट GTAW करना है। GTAW क्यों करता है कमेंट बॉक्स में। ओके सर, GTAW, GTAW रूट में भी GTAW, हार्ट में भी GTAW, और फिलिंग में यहाँ पे जो आपको दिया है SMAW, फिलिंग में SMAW। ओके नेक्स्ट F नंबर, ये नंबर और S फिलर वाइज स्पेसिफिकेशंस 5.18 ए कोड के हिसाब से यूज करने के, यहाँ पे आप देखिए GTAW का 70S2S2S2। ओके, और SMAW का 7018, 7018 SMAW है, बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट इलेक्ट्रोड है, हाई पेनेट्रेशन और इसका कंजम्पशन भी अच्छा है, हेवी हेवी थिकनेस मटेरियल को फैब्रिकेशन और कंस्ट्रक्शन में इलेक्ट्रोड ज़्यादा यूज करता है 7018। ओके 7018, ओके बगल में वन क्या है, इसके भी मीनिंग है, 1 2 यहाँ पे दिया है, इसका वन मतलब है इसका एडिशनल इंपैक्ट वैल्यूज है। 7, आप गूगल में चेक कर सकता है तो आपको पता चलेगा 7018 का एडिशनल इंपैक्ट वैल्यूज है। ओके, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज अच्छा है बोल के यहाँ पे कोड का मीनिंग है। ओके, इसका थिकनेस यहाँ पे देखिए जो भी है 70S2 का हम लोग यूज कर रहे हैं, उसका साइज क्या है 2.4 mm, और यहाँ पे 2.4 mm, यहाँ पे जो थिकनेस आपको दिया है, अब 7018 यहाँ पे 2.5 है, अगर हम लोग और कैप में जाएगा तो डायमीटर बड़ा है 3.2 और 4, आप पूरा जगह पे 2.5 यूज नहीं करने का, ये सभी 7018 है, लेकिन क्या फर्क है, डायमीटर फर्क है। ओके, डायमीटर के हिसाब से आप लोग यूज करने का। ओके मैम, और क्या होता है 2.5 वहाँ पे बेल्ट आपको ऐसा रहता है, यहाँ पे कम जगह है इसलिए कम दिखने से, जहाँ पे जो आपको ऊपर आता है इसका वीड ज्यादा है ना, तो ये गैप में आपको ज्यादा बड़ा इलेक्ट्रोड यूज करेगा तो जल्दी आपको फिलिंग के लिए आसान होता है, जल्दी बेल्ट खत्म होता है। पोलारिटी मतलब कौन सा हम लोग डायरेक्ट करंट, हम लोग इलेक्ट्रोड नेगेटिव यूज करना है, पॉजिटिव यूज करना है, सबसे यहाँ पे आप देखिए रेंज 9 to 140, यहाँ पे आपको रेंज का कितना दिया, ये रेंज 9 to 190, 9 to 190, यहाँ पे आपको 9 to 140 किधर यूज करने का है, रूट में यूज करना है, और 9 to 190 किधर यूज करना है, फिल्डिंग में, ये 9 to 155 आपको कैप, देखा मैक्सिमम 190, अभी आपको पता चला।
आपको मिनिमम टू मैक्सिमम वहां पे दे दिया। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में जाए तो क्लियर कट इधर रूट में कितना है, हार्ट पास कितना है, क्या पी में कितना है यूज करना वो दिया है। और ऐसा सेम वोल्टेज भी, वोल्टेज कितना दिया आपको 8 to 27, आपको 8 to 11, 8 to 27 मतलब 8 का बीच में 20 है, 8 to 11 आपको रूट में और हार्ट पास में फर्स्ट कैप में हम फिलिंग में देते हैं। नेक्स्ट 20 to 27, 20 to 27, 20 to 27 एक कैप में हम लोग देते हैं। और स्पीड रेंज, ट्रैवल स्पीड रेंज कितना है यहाँ पे आपको 7 to 220, ओके 7 to 220, 70 to 220, 70 to 150 आपको रूट में देगा, और 90 to 160 आपको रूट में देगा, और 90 to 160 एज पर WPS। हम लोग कुछ भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। कुछ आदमी लोग, अरे यार मैं सीसी वेल्डिंग इंस्पेक्टर पोस्ट कैसे भी पूरा मॉडल पेपर्स प्रिपेयर करके पास हो गया यार, कैसा मुझे इंटरव्यू भी कैसा किस्मत से हो गया यार, ऐसा बोल के सोचेगा, साइट में जाएगा तो क्या करना है, कैसा काम करना, मुझे कुछ भी मालूम नहीं। कुछ टेंशन नहीं है, तुम्हारा दिल में एक धैर्य रहेगा ना, वो सबसे तुमको बड़ा दोस्त है। तुम्हारे ऊपर कॉन्फिडेंस रख के आगे जाओ, सब कुछ ठीक हो जाता है। पूरा डॉक्यूमेंट आपको साइट में रहता है, वो डॉक्यूमेंट बराबर है कि चेक करना तुमको नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए ये पूरा प्रोसीजर आपको एक बार समझ में आया तो दूसरा बार ये वीडियो देखो, ओके, और भी ये वीडियो को शेयर करो और बाकी लोग को भी ये वीडियो बहुत यूज होता है, ओके। और ये पूरा इंफॉर्मेशन आपको स्पीड रेंज दिया है, ओके, ट्रैवल स्पीड रेंज, ये पूरा इंफॉर्मेशन है। ये एक अच्छा वेल्डिंग बनाने के लिए ये पूरा पैरामीटर्स चाहिए। एक इसी को बोलता है वेल्डिंग प्रोसीजर। एक वेल्डिंग बनाने के लिए एक प्रोसीजर होता है, एक तरीका होता है, ये तरीका हम लोग स्पेसिफिकेशन का हम लोग फॉलो करना है, ओके। ये प्रोसीजर कौन सा कंपनी फॉलो कर रहा है उसका कंपनी का यहाँ पे एम्बलम रहता है, उसी का हिसाब से हम लोग ये पूरा प्रोसीजर हम लोग बना के साइट में काम करना ही है। जैसा हमारा मर्जी है वो मर्जी से नहीं जाने का, जो कंपनी का एक स्ट्रक्चर होता है, एक प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर के हिसाब से हम लोग जाने, ओके। मैक्सिमम ये जो प्रोसीजर्स है एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सभी लोग फॉलो होता है। ये प्रोसीजर दूसरे कंपनी में भी हम लोग का मैच होता है, ओके। अलग अलग कंपनी के लिए अलग अलग प्रोसीजर नहीं रहता, ये इंटरनेशनल प्रोसीजर है। लेकिन यहाँ पे वो लोग कोड का हिसाब से SME B 31.3 में अलग रहता है, लेकिन सऊदी अरब के स्टैंडर्ड में अलग हो सकता है, उनको खुद का अलग अलग स्टैंडर्ड है। पूरा एक ही कंपनी में SME Section 9 यूज किया, WPS डॉक्यूमेंट सेम होता है, अलग अलग कुछ तो वेरिएशन हो सकता है, ओके, राइट, थैंक यू। ये आपको ये पूरा वीडियो में WPS क्या है आपको पूरा समझ गया बोल के मैं विश्वास कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अगर कुछ और भी समझना आना चाहिए तो दोबारा ये वीडियो देखिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आपको ये वीडियो देखने के बाद अच्छा नॉलेज मिलेगा, मिला बोल के आपको भरोसा आएगा, तो ये वीडियो आपको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भी बहुत दोस्त लोग को भी शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये प्रोसीजर का बिल्डिंग प्रोसीजर के ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट यूज करके कंपनीज इंडिया में इस तरह वन ऑफ द बेस्ट कंपनी रिलायंस कंपनी मैं मानता हूँ, और अब्रॉड में बोलने का क्या जरूरत है, आरामको, आरामको का प्रोसीजर लेके हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, बाय।